बोलिए सर। आज सुबह से जो सोशल मीडिया में टीवी में न्यूज वायरल हो रही कि शकीला अहमद साहब बीजेपी में ज्वाइन हो रहे बोल के, इसकी सरासर जो है ये गलत न्यूज है। और इस तरीके की न्यूजें डालना ये बहुत ही गलत बात है। ना मैं बीजेपी में ज्वाइन हो रहा हूँ, ना मेरी ऐसी सोच है कि मैं बीजेपी में ज्वाइन हूँ, ना इस बारे में डिस्कशन चला। कोई भी पार्टी में ज्वाइन होने का सवाल ही नहीं है, चाहे बीजेपी रहने दीजिए, कांग्रेस रहने दीजिए या कोई और पार्टी रहने दीजिए। 12 साल से मुसलसिल आज TRS के साथ KCR साहब की क़यादत में काम करने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद से और मेहरबानी से दो बार तीन बार टिकट दिए, दो बार MLA बने, आवाम की खिदमत कर रहे। एक अखिलेती दोस्त है KCR, KCR के चाहने वाले हैं हम, क्योंकि KCR एक मुस्लिम दोस्त है और हमेशा जिंदगी भर KCR साहब के साथ हमारी जिंदगी इंशाल्लाह गुजरेंगी, आगे भी जो है उन्हीं के साथ काम करेंगे। ये तमाम जो है बातें गलत है। और जो काबीना में सीट नहीं दिए बोल के नाराज है बोल के जो चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह, जब अल्लाह वक्त लेके आएगा, जरूर काबीना में भी मौका मिल जाएगा। और KCR साहब पे भी मेरे को पूरा भरोसा है कि जैसे ही जो है वक्त के हिसाब से जो चीज करना है उनको अच्छी तरीके से मालूम है और वो मेरे साथ जरूर इंसाफ करेंगे। ऐसी कोई नाराजगी मेरी पार्टी के साथ नहीं है, ना TRS पार्टी से है, ना KCR साहब से है। ये सब गलत अफवाहें जो फैला रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं।